कुछ इस तरह से है की आपके जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके आने से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ढेर सारा परिवर्तन आप जरूर महसूस करेंगे सो डेफिनेटली इट विल बी टाइम कलेक्टिव

यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है क्या आ सकता है यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज गाइड करें ओके okay. थोड़ा सा समय दीजिए एंड देन आई स्टार्ट यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ समय पहले ना आप आपको ऐसा लगता था कि ठीक है धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे ही चलने दो लेकिन अचानक से ऐसा हो सकता है कुछ समय के बाद कि आपको ऐसा फील हो जाता है आपको आप अपने मतलब जैसे बोला जाता है ना आप अपने इमोशंस को शायद कंट्रोल ना कर पाओ इस तरह से मुझे दिख रहा है ये ये आपके लिए देखो हितकारी भी है और कभी हद तक सिचुएशन अगेंस्ट में भी जा सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा सोचा कि जो भी आपके जिंदगी में आके गद्दारी किया है बेईमानी किया है ठीक है आप उनको सब कुछ भूल कर ठीक है आगे बढ़ना चाहोगे अभी बढ़ना चाहोगे इट्स ओके okay. पर अगर आप उनको भूल कर आप उनके साथ गले मिल लोगे तो ये एक सोचने की बात तो आता ही है ठीक है You forgive and you forget, that is the best thing. But once you start believing them once more, और अगर आपने फिर से उनको अपने जीवन में एंटर करने दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं पे आप ही को लेना पड़ेगा सो बिफोर इट कम्स इन टू योर लाइफ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो टेम्पटेशन वो जैसा होता है ना कि किसी को ढेर सारा प्यार करना फिर कहीं ना कहीं पे वो चीज खो जाना अपनी जिंदगी से किसी चीज के ऊपर पैशनेट हो जाना फॉर एग्जाम्पल यू एर एंड यू हैडशनेट अबाउट डूंग समी चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो आपका स्पोर्ट्स हो एनी थिंग बट वो अननेसेसरी आपका जो है एनर्जी ड्रॉ कर रहा था ठीक है कहीं ना कहीं पर आप उसको पूरी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था देन ऑल्सो यू कंटिन्यू कि नहीं मुझे करना है ठीक है तो उस जगह पे आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए ओके okay. आई कैन सी अ पर्सन हु इज सिटिंग लाइक दिस मे बी योर फादर मे बी योर मॉ मे बी ओर ग्रैंड फादर जो भी मुझे मेल फिगर दिखाई दे रहा है ठीक है मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे कोई आपकी फैमिली में काफी ज्यादा कंसर्न है अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कंसर्ण है कि आपके ससुराल में ठीक है कैसे आप एडजस्ट करेंगे क्योंकि कितना दिन आप वहां पे रहे है एक अलग सा माहौल हो रहा है हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई है सो आई थिंक सो दैट आप उनको ये कह दोगे, ऑब्वियसली कुछ समय के बाद जब आपकी शादी हो जाएगी या कहीं ना कहीं पे कुछ समय के बाद हो सकता है आप खुद ही कह दो कि नहीं मैं आई एम वेल एडजस्टेड राइट आई कैन एडजस्ट एनी सिचुएशन तो इस बात को सुनकर उनकी दिल की तसल्ली मिले तो ये उस तरह से यूर यू कैन से दैट आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपके पेरेंट्स खुश रहने वाले हैं तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिखा कि रियली कंसर्न बट आफ्टरवर्ड्स आई कैन सी दैट हैप्पीनेस एंटरिंग योर लाइफ कुछ लोगों के लिए वो थ्रोन दिख रहा है दोजीशन या जिस चीज को आप प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल कर चुके हो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो एडजस्ट कर चुके हो ठीक है अपने टाइम पर आपने सिर्फ और सिर्फ काम किया है बहुत सारे लोग उस दौरान एंटरटेनमेंट किए हैं और आपने काम किया है अपने शिद्दत से काम किया है तो उसका जो जो फल है वो आपके डायरेक्टली आपके के अकाउंट में जाएगा सो so, आप ही के नाम पे ट्रांसफर होगा सो एवरीथिंग दैट यू हैड फेल्ड दैट मेरा समय जो है वो बर्बाद हो रहा है या मेरा समय जो है आई हैव लॉस्ट माय टाइम इट्स नॉट लॉस्ट यू हैव ऑल इन्वेस्टेड योर टाइम ओके यहां पे देखो आई कैन सी द बिग बटरफ्लाई विद बिग माउस यहाँ पे मुझे दिख रहा है ढेर सारा ऑपरचुन यहाँ पे एक बिग माउस है या रैट है एनीथिंग इट इज एंड देर इज अ बिग बटरफ्लाई ऑल्सो बड़ा साइज का सो so, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक एनीथिंग विच इज कमिंग टूअर्ड्स जो भी आपके तरफ आ रहे हैं या आ रहा जो भी है वो बड़ा है उसका जो है मतलब भारी भरकम मात्रा में आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ेगा ठीक है और वो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो वो नेगेटिव नहीं है Right. कुछ लोग शायद रिसेंटली आप आपके घर घर से से या किसी के घर से ऐसा हुआ जरूर है कि किसी ने एक्सरे करवाया है एक्सरे प्लेट्स मुझे दिखाई दे रहा है आई डोंट नो या हो सकता है आप अपना बॉडी चेकअप करवाने जाओ तो हो सकता है वो आपको बोले इस तरह से बट आई आई कैन सी लाइक आई डोंट नो आई कैन सी हो सकता है किसी के घर में किसी का चेस्ट पेन हुआ था हो सकता है आपको हुआ है, आपके घर वाले में इस किसी को हुआ तो हो सकता है कि आपको रिपोर्ट्स लेने जाने पड़े ठीक है उस तरह से मुझे दिख रहा है आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो वट दैट मेनी ऑफ यू हियर आर एडिक्टेड टू टी एंड कॉफी आप बहुत ज्यादा चाय और कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो एंड कॉफी समटाइम्स रिड्यूस पेन बट उसका एडिक्शन मत कर लेना ठीक है या हो सकता है देर रात जाग के आप कुछ मूवीज देखते हैं या गेम्स खेलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं फिर ऑफिस उठने जाने में नेक्स्ट सुबह जो है आपका लेट हो जाता है कहीं ना कहीं पे यू फील लेथर्जिक आई डू फील लाइक पे ये दिख रहा है लाइक like, देखो यहाँ पे एक ना इंसेक्ट इज दर एंड आई डू फील सो दैट इट इज नॉट लाइक दिस इज लाइक अ ग्रास ऑपर और समथिंग लाइक दैट सो so एनी anyway, जो भी है जो अगर हम देखें वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन देखें और इंसेक्ट्स की अगर हम कीड़े मकोड़े की पॉपुलेशन देखें ऐसा बताया जाता है कीड़े मकोड़े की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो कुछ हमारे लिए कीड़े मकोड़े अनवांटेड है राइट पेस्ट है वो सो so कुछ चीजें जो अनवांटेड होते हैं वही हमारे जिंदगी में ना ज्यादा मात्रा में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशन ताकि हमारे असर बहुत अच्छे लोगों से बने बहुत अच्छे संस्कार हमें मिले और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संस्कार दे भी पाए इन द फ्यूचर सो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है लाइक यू नो वट हो सकता है कि कुछ लोगों आपकी जो मतलब परवरिश हुई है कहीं कही ना कहीं पे इट वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली वेरी ज्वाइंट लाइक तो उनका हर एक लोगों का जो है ओपिनियन मैटर करता था और कहीं ना कहीं पे कुछ लोग बोर्डिंग स्कूल में आप थे या कहीं पे ऐसा थे जहां पे स्ट्रिक्ट था सो स्ट्रिक्ट माहौल में भी भले ही वो स्ट्रिक्ट था आपके लिए इट मे बी इन द फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसा ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे जहां पे स्ट्रिक्ट माहौल है आपको आना पड़ेगा टाइम टू टाइम इस तरह से हो सकता है डेड में सबमिट करना पड़ेगा वा ना इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है पनिशमेंट हो सकता सो एनी आप यूज टू हो जाएंगे आप हेबिचुएटेड हो जाएंगे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन केस ऑफ ए रोमांटिक रिलेशनशिप इज कंसर्न आपके पर्सन सही में बहुत ज्यादा बिजी है एंड दे आर राइट नाउ यू कैन से डूइंग सेवरल थिंग्स एट ए टाइम बहुत कुछ चीज एक ही साथ करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए शायद वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे उनके जो है ना वो, वो आपको कम समय दे पा रहे हैं लेकिन एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दो फिर समय ही समय होगा उस तरह से वो आपको एश्योर करना चाहते हैं उस तरह से भी मुझे दिख रहा है एंड इन द फ्यूचर ये आपको ये भी बोलना चाहते है कि यू नो वर्ट कि रियली दे हैव गुड इंटेंशन एंड डेफिनेटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू इस तरह से कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि इंसान जो है बहुत ही ज्यादा स्पष्ट मतलब बात करते हैं इनको कोई घुमा फिरा के मतलब बात करना नहीं आता है और अगर इनको कुछ ऐसा आपको बताना है या कुछ अपने पास के बारे में बताना है तो ये खुल के बता देंगे ना ये छुपाएंगे एंड दे विल नॉट हाइड देयर फीलिंग्स दे विल नेवर ठीक है और अगर इन्होंने हाइड भी किया है अगर हाइड भी करेंगे तो उसके पीछे एक ठोस कारण होगा और अक्सर ऐसा होगा कि वो आपको साफ साफ बता देंगे उस तरह से मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे पैर की चिन्ह पैर की सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है सो द फर्ट स्टेप ऑलवेज मींस दैट देर इज अ नेक्स्ट एक्शन देर इज अव एक्शन इधर बाई यू और बाई द यूनिवर्स इधर तो एक एक्शन लिया जाएगा आप लेंगे या यूनिवर्स आपके लिए आपके फेवर में लेंगे वो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वो सो दैट टी कॉफी अगर मैंने आपको कहा कि आप मुझे दिखा मे बी यू हैड बिन वॉचिंग द वीडियो ड्यूरिंग योर टी और कॉफी टाइम इस तरह से मुझे दिख रहा है ना लेट मी सी यूनिवर्स पिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है, हैं उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ मेरे जो व्यूअर्स है, हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है कौन आ सकता है यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स है, हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आ सकते हैं कौन आने वाले हैं प्लीज़ गाइड करें थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स प्लीज़ गाइड करें So, हमारे पास है दर्ल्ड कार्ड आई टोल्ड डू चाहे जो भी हुआ था जैसा भी हुआ था इट विल कम इन टू फुल सर्कल ठीक है आपको कोई भी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर फेस करना नहीं पड़ेगा यू विल लीव अ वेरी पीसफुल लाइफ आप बहुत ही ज्यादा शांति का जीवन आप व्यतीत करेंगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड That, आपके पास वो सब होगा जो आप चाहते थे ना इट विल बी मोर और लेस वो दूसरी बात है किसी के लिए फाइव लैख रुपीज इज मोर किसी के लिए फाइव लाख रुपीज इज लेस राइट पर मंथ सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक like, जितना आप कोशिश करेंगे स्पेंड करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू विल स्पेंड कुछ चीजों में जैसे फॉर्न का फ्लावर्स नहीं आता है सिर्फ और सिर्फ पत्ते ही आते हैं बट फिर भी पत्तों से ही वो अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी करते तो कुछ चीजें जो है इनकम्प्लीट होते हुए भी इट विल बी कमिंग इन टू फुल सर्कल एंड डेफिनेटली आई थिंक सो दैट यू विल एंजॉय इट ठीक है बहुत कुछ जो पुराना मसला था वो खत्म होना हो रहा है कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा ट्रबल था आपके लिए कैसे आप रीपे करेंगे लोन्स को या कुछ ऐसे इश्यूज इस आ गया था मेजर डिस्क्रिपेंसी था आपको हिसाब किताब नहीं मिल रहा था कुछ चीजें आपको लग रहा था कि जरूर इधर उधर हो गया है तो उसका हिसाब आपको जरूर मिल जाएगा तो जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं वो मुझे दिख रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से होगा आपके लाइफ में न्यू कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए भले आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है बट इट इज नॉट डिले बिकॉज डिफेंड टाइमिंग फॉर मेनी ऑफ यू इज अराइविंग येस टू ऑफ कब्स एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक दैट कि चाहे जो भी हो जैसा भी हो ठीक है आपके लिए सिचुएशन फेवर मिल जाएगा आपके इन फ्यूचर क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो भी है जिनके साथ आप डील करेंगे दे विल अ वेरी प्रोफेशनल माइंड ठीक है और वो आपके बातों को समझेंगे वो आपके बातों को समझने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली देर अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर बिजनेस पार्टनर्स वो भी मुझे दिख रहा है एंड अगर हम आपकी रोमांटिक लाइफ की बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक like, सबसे ज्यादा चीज होता है ट्रू फ्रेंडशिप ट्रू अंडरस्टैंडिंग का और वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सो दिस इज ऑल अबाउट टू डे रीडिंग आईज आई होप यू लाइक इट एंड लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी लव यू लॉट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड